हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमन टेक। तो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं CSS ट्यूटोरियल का पार्ट 3, जिसमें हम लोग मल्टीपल सिलेक्टर यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हम लोग जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हम लोग का वेब डॉक्यूमेंट है या HTML डॉक्यूमेंट है, वो आपका जो H1 टैग है, इसमें हम लोग बैकग्राउंड डाले थे, तो हम लोग H2 टैग में भी एक टाइम में दोनों में कैसे कर सकते हैं, तो इसमें भी हम लोग बैकग्राउंड डाल के देखेंगे वो कैसे कर सकते हैं, वो वीडियो में हम लोग देखने वाले। इवन हम लोग इंडिविजुअली कलर भी कर सकते हैं, तो वो भी देख लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हम लोग का हो चुका है। हम लोग पैराग्राफ टैग को थोड़ा नीचे कर देंगे, इसका भी यूज़ नहीं है, तो हम लोग H1 और H2 को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग H1, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो हम लोग H2 को भी यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग मल्टीपल करना चाहते हैं। तो H2 को लिए आपको सिंपली ये करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला टैग हम लोग किए हुए थे फर्स्ट पार्ट में, इसको आप लोग सिंपली क्या करना होगा, कॉमा दे के H2 कर दीजिए और इसको आप फिर सिंपली सेव कर दीजिए, फिर रिफ्रेश कीजिए, तो आप देख सकते हैं नीचे वाला में भी आप देख सकते हैं रेड आ चुका है। तो गाइज, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम लोग दोनों हेडर टेक्स्ट में से कोई एक हेडर टेक्स्ट को कलर करना चाहते हैं, मान लीजिए हम लोग टेक वेबसाइट को कलर करना चाहते हैं, फॉन्ट को ये चेंज नहीं करना चाहते कलर, बस इसको चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको न्यू एक टैग यूज़ करना होगा, जो कि होगा, इसको जस्ट हम लोग कॉपी कर लेते हैं फिलहाल के लिए। तो कॉपी करके इसे सिंपली पेस्ट कर देते हैं, और इसमें हम लोग जो फॉन्ट वाला आपको याद होगा कलर कैसे चेंज होता है, इसमें हम लोग सिंपली कॉपी कर लेंगे इसको और इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं, और इसको आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली पेस्ट हो गया। तो हम लोग को H2 में नहीं डालना है, तो हम लोग को H2 हटा देना होगा। हम लोग H2 हटा दिया है और इसको हम लोग कर देते हैं वाइट, वाइट कर दिए और इसको हम लोग बंद कर देते हैं। एक्चुअली बंद करने से आपका काम करेगा, इसको हम लोग सिंपली सेव कर देंगे और रिफ्रेश कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये नीचे वाला चेंज नहीं हुआ, ऊपर वाला चेंज हो गया, और ऐसे करके आप मल्टीपल टैग भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं, या आप सिंगल भी सिलेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो का मेन मोटिव था आपको मल्टीपल सिलेक्शन कैसे यूज़ करना है CSS में, वो बताने के लिए। बस आपको कॉमा देकर उसको पुट करना है, बस उतना ही करना है। तो गाइज़, ये वीडियो में इतना ही था। कुछ भी डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।